everyone, welcome back to my channel. And today we are getting ready for Diwali by making some DIY beautiful diya stands. Hi guys, good morning. Today my morning started with ordering some fresh veggies and grocery from Blinkit, क्योंकि भाई Blinkit से कुछ भी मंगाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज इट जस्ट अराइव सुपर फास्ट एंड कुछ भी नहीं करना है, बस घर बैठे आपको जो सामान मंगाना बस तुरंत आ जाता है एंड इट्स परफेक्ट फॉर पीपल लाइक मी हु लिव अलोन एंड आर टू लेजी टू गो टू द शॉप. एक और पार्सल रिसीव किया है अभी जस्ट एंड अभी दो तीन पार्सल और आने हैं मेरे. So later in the evening, I had to head out to the market because there was a birthday party in my society. Shubhi का birthday था तो मुझे उसके लिए कुछ gift लेना था, तो मैं stationery में ही option देख रही थी उसके लिए and ये daddy वहाँ फटा हुआ रखा था, मैंने इसको भी record कर लिया. और शुभी के लिए मैंने ये writing slate ले ली थी, ये उसके लिए useful रहता. और आते आते मेरे सारे पैसे हो चुके थे finish, cause ऐसा हो नहीं सकता मैं market जाऊँ और सारे पैसे finish करके ना आऊँ. फिर घर पर आके मैं रेडी होके उसके बर्थडे में चली गई थी, वहाँ पर जाके मैंने खाना खा के ये रिकॉर्ड किया था. बाकी जो क्लिप्स थी वो डिलीट हो चुकी जो मैंने इस व्लॉग में नहीं डाल पाई. ऑल्सो आई पिक्ड अप दिस वाइट बास्केट सेट एंड ये टू पीस सेट है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था एंड इट्स परफेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर स्टफ एट होम. लाइक कुछ भी आप अपना स्टेशनरी का कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट इसमें रख सकते हैं. ऐसी बास्केट काफ़ी टाइम से चाहिए थी, इसमें अपना कुछ भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रख लीजिए एंड कुछ भी आप रख सकते हैं ऐसे वाइट कलर में. मुझे वाइट कलर से बहुत पसंद है, वाइट कलर में मुझे सारी चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ भी हो ड्रेसेस हो टॉप हो टी शर्ट हो एवरीथिंग आई लाइक वाइट सो मच. And I also got these two mats and this glass jar container. ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था एंड ये बस 50 रुपीज़ में मुझे मिल गया, ये ऑफर प्राइस में था. एंड दिस कटलरी स्टैंड एंड टी स्टेनर एंड सम अदर स्टफ. नेक्स्ट डे वी वेंट टू दी स्किन क्लिनिक. कौशुभी की जो मौसी आई हुई थी उनको थोड़ी स्किन इशूज हो रखे थे, तो मैंने ही उनको ये सजेस्ट किया था यहाँ पे एंड आई टुक हर टू दैट स्किन क्लिनिक. तो वहाँ पे उनका पूरा चेकअप वगैरह हुआ, एनालाइज हुआ उनकी स्किन में क्या इशूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम हो रखी है. डॉक्टर ने काफ़ी अच्छा उनको प्रेस्क्राइब किए मेडिसिन एंड उसके बाद फिर हम दोनों ने शॉपिंग की. उनको भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी एंड मैं तो कोई मना करती नहीं शॉपिंग के, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट. तो फिर हमने पास में थोड़ी शॉपिंग करी, कुछ किचन का सामान वगैरह भी देखा था थोड़ा सा एंड मैंने ये सिप्पल देखे थे बाबू के लिए जो मुझे काफ़ी क्यूट से लग रहे थे. बाय बाय, शॉपिंग पूरी हो गई. सी बना के लाई थी, ये बहुत बड़ा टॉपिक था, इसमें दिमाग ख़राब हो गया लिखते लिखते. नेक्स्ट डे बस मैं घर के लिए निकल ही रही थी, सारी पैकिंग हो चुकी थी, बट कॉलेज से मुझे कॉल आया डेट यू हैव टू कम हेयर एंड ब्रिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स फॉर दी वेरीफिकेशन, बिकॉज बाद में मैं नहीं आ पाती अगर घर से लेट हो जाती. तो मैं फिर कॉलेज गई और कॉलेज से आते आते इतना लेट हो गया, फिर रास्ते में मैंने ये डोसा खाया, बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी. और फिर इवनिंग का टाइम हो गया तो फिर घर तो मुझे जाना ही था, मैंने कहा वापस तो नहीं जाऊँगी यहाँ से. तो मैं पापा से कॉल करके बोला पापा मैं आ जाऊँ, पापा ने बोला ठीक है आ जाओ आप कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर मैं घर पहुँच गई और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी. गाइस अभी मनु आई है, अब हम डिसाइड करें कहाँ जाएं, कुछ बाहर घूमने जाना है इसको और हमें समझ नहीं आ रहा किधर जाएं, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम घर पर ही है. हाँ गाइस हम घर पर हैं आज और हम परसों दिवाली पार्टी अपनी करेंगे, है ना परसों. बस हमने ऐसे थोड़ा सोचा है, थोड़ा गेट टुगेदर, खास दोस्त आएंगे, कुछ खास दोस्त कोई खास नहीं है, सब अपने वही पुराने दोस्त हैं और कुछ नहीं है. ज़्यादा ही खास है, ज़्यादा ही खास. ज़्यादा हमें मानसी की याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मानसी की याद आ रही थी.
दिया। मानसी का मेरा तो बॉन्ड ही अलग था सबसे ज्यादा हम लोगों का। बहुत मारती थी इसको पकड़ पकड़ के इन दोनों में भाई इतनी लड़ाई होती थी बहुत ज्यादा पर मजा तो आती है उसकी बहुत है ना। अभी हम दो दो है ना हम हमेशा तीन होते थे हमेशा कभी अलग ही नहीं थे एंड अभी हम उसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारा बचपन का ग्रुप था गाइस 6th क्लास से लेके 12th तक मेरी तो सेकंड क्लास से है पर लीना मेरी एलकेजी से है। एलकेजी से नहीं हो खाओ तो से हां एलकेजी से है बट मान जी याद आ रही है अभी क्या कर रहे हैं वो यहां है नहीं अब पहले रहती थी वो बट अब वो चली गई थी आफ्टर 10th वो यहां से चली गई थी उसका पापा का थोड़ा जॉब का वो था ना और उसका घर भी वहां पे है ना फिर कुरावली में उसने नोएडा में रही है सी नोएडा पढ़ रही है। मानसी वी मिस यू मैं भी मिस कर रही हूँ तो ठीक है ना फिर ये नहीं करती मैं भी कर रही हूँ कौन जा रहा है दोनों कर रहे हैं कहाँ जा रही हो अभी आ रही हूँ नहीं अभी आ रही हूँ नो बिल्कुल भी नहीं या अभी आ रही हो कसम से बिल्कुल भी नहीं तुम कहीं अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ तुम कहीं नहीं जाओगी अभी दो मिनट में आ रही हूँ कसम से ठीक है आती हूँ अभी। Let me tell you, we are making this DIY using just few materials. Number one, we are taking some diyas, clay diyas, and number two, we are using the M seal and nothing else. हाँ आप थोड़ा paint use कर सकते हैं इसके लिए और थोड़ा decorate करने के लिए you can use the beads and some pearls. But मैं ऐसा कुछ use नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बस यही material है and रात हो चुकी है तो मैं ज़्यादा लेने को जा नहीं सकती अब. सो और ये रील मैंने इंस्टा पे देखी थी तो वहीं से मुझे आइडिया आया था मैंने एक रील में देखा था ये पूरा DIY तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सो आई एम ट्राइंग इट नाउ सो लेट गेट स्टार्टेड। आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या अभी ही रख लिया है। दिस इज एम सील आई एम यूजिंग दिस फॉर स्टिकिंग दीज दियाज टू दिस बड़ा वाला दिया एंड ये कुछ दिया है इनको आप कलर भी कर सकते हैं यहाँ पर बट मैं अभी कलर नहीं करूँगी इनको बस सिंपली ऐसे ही बनाऊंगी तो आप बस देखना। आप लोग इस एम सील की जगह कोई भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव यूज कर सकते हैं बट आई एम यूजिंग दिस एम सील एंड आप यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए पर्ल भी यूज कर सकते हैं बट मैं बस इन दो चीज का यूज करूंगी बस। लग रहा है ये मेरा DIY प्रोजेक्ट बन नहीं पाएगा। फेविक्विक जो लेके आई थी वो खराब निकली है इसलिए मैं अब दूसरी लेके आई हूँ वो तो सूखी सी निकली अब इससे ट्राई करते हैं। एंड यू नो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की उसमें ना दो एम सील निकले थे ब्लैक कलर का एंड ग्रे कलर का तो उन दोनों को हमें मिक्स करके तब हमें दिया से उसे स्टिक करना था बट मैंने सिर्फ ब्लैक वाले से कर दिया और इस वजह से वो मेरा DIY फेल हो गया। और अब दिन आ गया था दिवाली का जो कि मेरा फेवरेट फेस्टिवल है हम सबका ही फेवरेट फेस्टिवल होता है दिवाली सबको अच्छा लगता है। और मम्मा ने उठकर सुबह सुबह सारा काम कर लिया था सब साफ सफाई कर ली थी और मैं हर दिन की तरह लेट उठी बट मैंने सोचा था आज तो मैं जल्दी उठूंगी दिवाली वाले दिन बट मैं नहीं उठ पाई और ये मेरे घर वाले ऐसे मैं सही बता रही हूँ भाई मुझे उठाएंगे नहीं जल्दी मैं कितना भी बोल दूँ कि उठा दो नहीं उठाएंगे कहते हैं सोने दो आराम से लेकिन जब मैं लेट उठूंगी तब सब बोलेंगे सोती रहती है उठती नहीं है भाई उठा दिया करो पहले। गाइस मैं ये झालर लेके आई थी फूलों की खाली प्रसाद की एंड नागरा से लेके आई थी उसमें 5 पीसेस में पूरा सेट है उसका एंड इसमें कुछ झालर हैं लाइट से वाली हैं येलो वाली पूरी बॉम कलर लाइट्स हैं इसमें बट ये मैं लाइट में सेट लगाने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मैं कुछ लगा नहीं पाई इसलिए अब मैं इनको यहीं पर यूज़ करूँगी और थोड़ा डेकोरेशन कर लेती हूँ अब मैं। This Diwali, we created a beautiful backdrop with some vibrant flowers, delicate garlands, and some sparkling lights. And guys, the credit goes to the mom cause उन्होंने ये सब किया। मेरा आइडिया था कर्टेन यूज करने का बट देन शी केम अप विद द ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ रिप्लेसिंग दोज कर्टेन विद दीज वाइब्रेंट फ्लावर्स एंड इससे बैकड्रॉप और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा था एंड ऑनेस्टली आई जस्ट लव दैट। Now I'm going to make rangoli using these colors. ऐसे रंगोली मुझे ज़्यादा बनानी आती नहीं अच्छे से रंगोली ना हो मुझे रंगोली आती नहीं बट देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग इट ठीक ठाक होंगे। बाबू अपनी अलग बना रही है। गाइस दिस इज माय आउटफिट फॉर दिवाली।
सबसे बुरा पार्ट ये हुआ है, मैंने इतनी अच्छी रंगोली बनाई थी पर उस खरगोश ने, हीरो ने मेरी पूरी खराब कर दी। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोई हूँ सबसे ज्यादा इस वजह से बाबू की। है मेरी वाली बहुत अच्छी थी बट अरे भाई वो इसी पे आके बैठ गया उसने, फिर मैंने उसे हटाने की कोशिश की, वो ऐसे भागा है ना, मैंने दो तीन थप्पड़ भी लगा दिए कमरे में, मैंने इसे बंद कर दिया। फिर गुस्से में ये बैठा है, पता नहीं इसको क्या मजा आया मेरी रंगोली खराब करने में। और भी रखे हैं, सीता गीता भी है इसमें, इसमें भी सीता गीता है, इसमें बॉम्ब है, इसमें भी सीता गीता है, और रॉकेट्स हैं इसमें, फूल झड़ी हैं, एंड अनार है, है ना, अनार ही है ना, ये अनार ही है, ये वही है, और भी बहुत सारे रखे। चलो चलाते वो इतने सारे पटाखे, अभी तो और रखे हम लोग के पास पटाखे, इनको फिनिश कर लेते हैं पहले। रेडी? हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करने जा रहे हैं, है ना? Yes. कोई नहीं, साल में एक बार आता दिन। Guys, so here I am trying to remove my eyeliner after the Diwali celebration, and guys seriously I was using the wipes, the makeup remover, everything to remove this eyeliner, but ये तस से मस नहीं हो रहा था। मैंने फेस वॉश भी किया था इसके बाद भी ये नहीं हट रहा था, एंड दिस आई लाइनर वॉज सो वाटर प्रूफ एंड स्मस प्रूफ, इट वॉज लाइक ट्राइंग टू स्टिक विद मी फॉर एवर। Honestly though, I have to give it the credit because it's the best liner I have used, because once it's on, it stays on no matter what. And liner and kajal to love hai mera, I love it. Pimple bhi aa gaye, 1, 2, 3, 4, bas ek tha kal, and ki raat mein makeup maine lagaya, uske baad aur aa gaye. Good morning, kya kitne baje, 1 baj gaya, main late uthi thi aaj. आज डेट 2 है दिवाली का, कल हमने रात में दिवाली सेलिब्रेट की थी, बहुत लेट सो रहे थे और खूब सारे पटाखे भी चलाए थे, एंड आज सेकंड डे है दिवाली का, और आज हम दिवाली मनाएंगे अपने गांव वाले घर में, इसलिए मैं अभी नहा धो के बस रेडी हो गई हूँ। ये ड्रेस मैंने पहन लिया ब्लैक कलर का, ये मैंने नहीं लिया था अभी, एंड इसके बाद मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मेरी अभी दिवाली की शॉपिंग हुई नहीं है, भाई दूज की भी मैंने ड्रेस नहीं ले पाया था अपना, इसीलिए अभी हम मार्केट जाएंगे। तब तक मैं खाना खा लेती हूँ, पनीर की सब्ज़ी और आलू मेथी की सब्ज़ी एंड रोटी,
और रायता भी मम्मा लेके आ रही हैं, खाना खाना है मुझे, फिर मैं मार्केट जाऊंगी। अब इस वाले घर को सजाने हैं। इसमें बाबू के पटाखे हैं सारे, अपने अलग लेके आई क्या वो। मम्मा मेरा चार्जर कहाँ है? ये हो गया फोन बिल्कुल। तो आई थी घर से, क्या कर रही है? किधर? दो जल्दी मिल गया मैंने। देखो बाबू सुबह भी अपनी दिवाली कर रही है, करती रहना, इसके पटाखे अभी तक खत्म भी नहीं हो रहे हैं। हीरो 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 से हाय। इसको मैंने उस दिन बहुत डांट दिया था, तो बाद में मुझे बुरा भी लगा था हाँ इसको डांटने के बाद, और इसने मेरी रंगोली ख़राब कर दी, मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी यार। वापस जाने से पहले लास्ट चाउमी एंड पेटीज यहाँ की, मुझे मोनू भैया की पेटीज अच्छी लगती है, मैं जब भी कराती हूँ पर डे खाती हूँ पर डे। अब नहीं चला रहे हैं जा रही थी, बट फिर मेरा मन नहीं करा एंड मैंने कहा चलो शॉपिंग करके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये रिचुअल बन गया है जब भी यहाँ से जाना है शॉपिंग करके जाना है मुझे। एंड अभी मम्मा ने बोला तब तक तुम रेडी हो लो, फिर मार्केट निकलते इस ऑलमोस्ट 3:30 नहीं नहीं
काफ़ी दिन घर पे रुक ली, आज 9th डे है मेरा यहाँ पर एंड मेरी हॉलीडे फिनिश हो चुकी है ऑलरेडी। कल हमारे कॉलेज में एनुअल फेस्ट है, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट, और वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करूँगी, सोचा तो है मैंने, लेकिन बहुत टाइम से मैंने रनिंग की नहीं है, आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट आई विल पार्टिसिपेट इन रनिंग कॉम्पिटिशन एंड लेट्स सी। पहले शॉपिंग करते हैं, मेरी दिवाली के बाद शॉपिंग हो रही है। वाह, मैं शादी भी है 12 नवंबर की, हाँ घर में शादी है मौसी की बेटी की, कज़िन मौसी की, जो उस दिन आई थी ना नवरात्रि में, उन्हीं की बेटी शादी है। बट 12 नवंबर को ही मेरा इंटरनल एग्ज़ाम है तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी, बट सोचा था जाने का, मैंने कैंसिल हो गया। हाँ मम्मा, क्या? अरे हाँ, आज तो ट्यूसडे है। यस, मार्केट बंद होगा। अरे यार, मैं तो रेडी हो गई। हीरो क्या है? हीरो? यस बेबी, हीरो बेबी। एक्चुअली हम भूल चुके थे कि ट्यूसडे एंड मार्केट तो क्लोज होगा, लेकिन मैंने मम्मा से बोला चलते हैं, अगर बंद होगा तो वापस आ जाएं। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। मार्केट में थी तभी आशीष का कॉल आया कि कहाँ है, इटा ही है ना, आ जाना बर्थडे यार मेरा। मैं तो भाई टोटल उसका बर्थडे भूल चुकी थी, मैं यूजली बर्थडे भूल जाते, मुझे नहीं याद रहता। तो फिर मार्केट से आते ही मैंने जल्दी जल्दी घर पहुँच के रेडी होके फिर मैं आशीष के बर्थडे के लिए चली गई थी। अब तो ट्राइपॉड सेटअप करना चाहिए यार आशीष इधर ही। वो ट्राइपॉड अंदर रखा हुआ, निकाल ला अंकित। अंकित कहीं निकाल के लाऊं? चल निकाल के ले, चल। अरे हाथ हो गया यार, ये है ना, एंगल बिगाड़ रहा है तू, खड़ा होके इतना ही बेहाल हो गया। सर तो मेरे पिपल को बोल से ठीक है, लेपर्ड जल्दी से बोल। ठीक है, हो गया जैसा बन सकता था वैसा। लेडीज फास्ट क्लिप बहुत तगड़ी आ रही है, क्लिप बहुत तगड़ी आ रही है। अरे भाई आज चप्पल मार मार के।